जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत होने में अब काफ़ी समय कम बचा है, क्योंकि दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत 5 अक्टूबर से होने वाली है और वर्ल्ड कप 2023 का पहला मुकाबला न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम के बीच खेला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 का आगाज न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मुकाबले से होने वाला है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारी भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2023 में अपना पहला मुकाबला कौन सी टीम के खिलाफ खेलने वाली है और वह मुकाबला कब और कहां कितने बजे खेला जाएगा। साथ ही दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को यह भी बताएंगे कि वर्ल्ड कप 2023 के पहले मुकाबले में भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी खेलते हुए नजर आने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो सभी के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि बाबर आजम और सुमन गिल इन दोनों ही बल्लेबाजों में से वनडे फॉर्मेट का सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि दोस्तों आप सभी को इस चैनल पर क्रिकेट से रिलेटेड हर ताजी खबर सबसे पहले दी जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बता दें कि हमारी भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2023 का अपना पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को खेलने वाली है और यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ खेला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सभी को बता दें कि हमारी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया टीम के सामने मैदान पर उतरने वाली है और आपको बता दें कि वैसे तो यह मुकाबला एक महामुकाबला होने वाला, क्योंकि इन दोनों टीमों के खिलाड़ी काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। आप सभी को यह भी बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह मुकाबला 8 अक्टूबर को सन्नी चिम्पोक स्टेडियम में दोपहर 2 बजे खेला जाएगा। लेकिन आइए दोस्तों अब हम बता दें कि इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ हमारी भारतीय टीम के कौन कौन से खिलाड़ी खेलते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ इस वनडे मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग बैटल में सुमन गिल के साथ रोहित शर्मा मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अभी रोहित शर्मा और सुमन गिल काफी खतरनाक है फॉर्म में चल रहे हैं और वनडे फॉर्मेट में तो इन दोनों ही बल्लेबाजों का बल्ला चल रहा है। क्योंकि दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज में आप सभी यह देख ही चुके हैं कि कैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखचे उड़ाकर रख दिए थे। लेकिन दोस्तों शुरुआती के दोनों वनडे मुकाबले में सुमन गिल को भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो सुमन गिल ने अपने बल्ले से 74 रनों की काफी शानदार पारी खेली। और सुमन गिल के अलावा दोस्तों रोहित शर्मा भी अभी काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। पहले रोहित शर्मा ने एशिया कप में अपनी कप्तानी में काफी शानदार प्रदर्शन किया और बल्ले से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की कमर तोड़ कर रख दी थी। जबकि दोस्तों इन दोनों के ओपनर बल्लेबाजों के अलावा इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने तीसरे नंबर पर विराट कोहली को बल्लेबाजी करने का मौका दे दिया है, क्योंकि दोस्तों विराट कोहली अभी काफी खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं और अब ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखचे उड़ाने के लिए विराट कोहली भी तैयार हो चुके हैं। जबकि दोस्तों विराट कोहली के अलावा इस मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से चौथे नंबर पर कप्तान रोहित शर्मा ने शरेश अय्यर को बल्लेबाजी करने का मौका दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ इस मुकाबले में चौथे नंबर पर शरेश अय्यर मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दोस्तों शरेश अय्यर काफी खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक भी जड़ा था, इसलिए दोस्तों रोहित शर्मा ने शरेश अय्यर को बल्लेबाजी करने का मौका दे दिया है। जबकि दोस्तों शरेश अय्यर के अलावा इस मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से 5वें नंबर पर विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर लोकेश राहुल को भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम की तरफ से 5वें नंबर पर लोकेश राहुल बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। जबकि दोस्तों लोकेश राहुल के अलावा इस मुकाबले में 6वें नंबर पर हार्दिक पांड्या को खेलने का मौका दिया गया है। आप सभी को बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या की भारतीय टीम की तरफ से 6वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। हालांकि दोस्तों भारत की टीम के खिलाफ इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिलने वाला है। जबकि दोस्तों हार्दिक पांड्या के अलावा इस मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से स्पिनिंग गेंदबाजी करने के लिए 7वें, 8वें और 9वें नंबर पर रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विन और कुलदीप यादव खेलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि दोस्तों चेन्नई के चिम्पोक स्टेडियम में स्पिन गेंदबाजों को काफी मदद मिली है, जबकि इन गेंदबाजों के अलावा तेज गेंदबाजी के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने 10वें और 11वें नंबर पर मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया है। तो दोस्तों ये थी हमारी भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11 जो ऑस्ट्रेलिया की टीम को कुचलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर